इसमें लगने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है जी बायोजियोकेमिकल साइकल्स, इंडक्शन। जहाँ पहले इंडक्शन होगा और फिर उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन के बाद इसकी टाइप्स की तरफ जाएं। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आप मैट्रिक से, नाइन्थ मैट्रिक में, उसके बाद FSC में और BS में भी कई जगह पढ़ चुके हैं, पहले बायोलॉजी में, इसके साथ केमिस्ट्री में, और यहाँ पे खास तौर पर रोबोटनिक के अंदर आ रहा है बायोलॉजी। टॉपिक बहुत इजी है, कोई इसमें मसला नहीं है, मुश्किल चीज़ नहीं है। अभी हमने कल जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक था फूड चेन्स, फूड वेब्स, और उसको जहन में रखिए, प्लांट्स ने मिट्टी से पानी हासिल किया, मिनरल हासिल किए, एयर में से CO2 अब्सॉर्ब की, सन से लाइट ली, एरोबिक वेल्स में ग्लूकोज तैयार किया और अदर केमिकल्स क्या। प्लांट्स को हर्बीवर्स ने खाया, हर्बीवर्स को कार्निवोर्स ने, कार्निवोर्स को टॉप कार्निवोर्स ने, और जब इन सब की डेथ हुई तो डीकम्पोजर ने उनको वापस मिट्टी में शामिल किया। अब यहाँ पे दो तीन अहम अल्फाज हैं कि जो मैंने आपके सामने जो एक्सप्लेन किया है, वो फूड चेन है। मैंने आपके सामने फूड चेन, फूड वेब, क्योंकि दोनों एक ही हैं, इसमें फूड चेन एक्सप्लेन की है। हम फूड चेन जो कि पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसकी तस्वीर वगैरह नहीं बना रहा। कोई फूड चेन एक्सप्लेन होगी, हर चीज़ प्रोसेस शुरू हुआ है सॉइल से, सॉइल कह लें, एबायोटिक फैक्टर कह लें, सॉइल, वाटर, एयर एक्सेट्रा, ये सब कुछ यहाँ से चीज़ें पहुँची हैं प्लांट्स में, प्लांट से वो चीज़ें पहुँची हैं हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर्स से वो सब चीजें पहुंची हैं कार्निवोर्स में, और फिर कार्निवोर्स से वो सब चीजें पहुंच गई हैं टॉप कार्निवोर्स, और आखिरकार सब कुछ जो है डीकम्पोजर्स के जरिए वापस साइलेंट चला गया। डिकम्पोजर्स जो हैं वो इस सब को वापस मिट्टी में शामिल कर देते हैं। ये अब यहाँ पे हमने सिर्फ फूड का जिक्र किया है, कल भी और आज भी फूड फूड तैयार किया प्लांट्स ने, और वो स्टेप बाई स्टेप होती है आखिरकार डिकम्पोज के जरिए वापस सॉइल में पहुँच गई। पंजाबी शुरू मारो जिथे दिख होती उतरे अंशुरू, फिर आगे वहीं पर चले थे जहाँ से हमने साइल से शुरू किया था और वापस साइल पर पहुँच गए। साइल इंडिकेशन है साइल वाटर एयर सब कुछ में आता है। यह है जी एक स्टेप। इसमें दोबारा गौर कीजिए, अब मैं आ रहा हूँ उसके दूसरे हिस्से की तरफ, और दूसरा हिस्सा है लाइट। अब वाकई है कि लाइट कहाँ से आते है? लाइट का सोर्स है सन, ना सिर्फ लाइट का बल्कि एनर्जी कह लीजिए, जमीन पर सारी की सारी एनर्जी का सोर्स है सन। प्लांट्स ने उस सनलाइट को कैप्चर करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। वो केमिकल एनर्जी ग्लूकोज की शक्ल में, फूड की शक्ल में है, और वो फूड बिना एनर्जी के ट्रेवल करती है फूड चेन के। ये फूड एनर्जी समेत ट्रेवल करती है फूड चेन के। उन तमाम जानदार हम जिनका जिक्र आपके सामने हो चुका, मैं तस्वीरें मार रहा था, मैं सिर्फ नाम लिखे हैं, तस्वीर आपके पास मौजूद आपकी उसका पहले ये इसका तारफ। लेकिन दोबारा और कीजिएगा कि जो एनर्जी है वो कहाँ गई? अब जो बुक आपके पास है, बुक मेजोरिटी के पास है, कार्बन, कार्बन निकालें, कार्बन निकालें, और कार्बन में जो है आप इसने को बायोलॉजी केमिकल साइकिल दिया है जी, किस पेज पे है बताइए, चैप्टर कहाँ पे करके है ये वाला। अगर नहीं आता है तो फिर ऐसे करें, पेज नंबर 330 निकाल लें। 330 में एक फूड चेन दिखाई गई है, डायग्राम बहुत छोटी बनी हुई है, लेकिन जो हमें चाहिए गुजारा हो जाएगा। यू हैव लुक एट पेज नंबर 330, इसमें फूड चेन में चीज़ें दिखाई गई हैं। हमें उसमें दो तीन पॉइंट खास तौर पर रिक्वायर्ड हैं, हर जगह पर ऊपर की तरफ आर या रेस्पिरेशन। डायग्राम निकालिए आप लोगों ने कि नहीं, जो बताइए
कार्बन में पेज नंबर 330 पे डायग्राम फूड चेन की है। इसमें खास तौर पर एक चीज नजर आ रही है और वो है जी रेस्पिरेशन और ऊपर की तरफ हर एक फिगर में आर ऊपर निकल रही है। जब रेस्पिरेशन होती है तो एनर्जी का बहुत सारा हिस्सा यूज और कुछ हिस्सा हीट के चक्कर में जाया जाता है। ऐसे ही जब बॉडी में मेटल होता है उस वक्त भी बहुत सारी ही बहुत सी एनर्जी जाया जाती है। और एसेंस वन में ये कह लीजिए, अगर हम पूरी फूड चेन को देख रहे हैं तो आप जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, ये जो बॉक्सेस बने हैं आपके पास, मैं इसको ट्रैक की देता हूँ कर लेते हैं। ये पहले बड़े साइज के बॉक्सेस हैं, अब जो इससे आगे जा रहे हैं बॉक्सेस का साइज आपको छोटा होता हुआ नजर आएगा। अब जैसे मजीद आगे जाएंगे बॉक्सेस और छोटे हो जाएंगे, जस्ट मैंने इतना ड्रा किया। अब ये बॉक्सेस शो कर रहे हैं फूड मटेरियल और इसमें से साइड के ऊपर मसलन यहाँ पे ऐसे आर, यहाँ से भी आर, आर फॉर रेस्पिरेशन जो एनर्जी की शरीर में हीट लाया हो, इसके आगे डी कमजोर आ जाएंगे। अब बायोमास कम होता जा रहा है, पौधे बहुत ज़्यादा हैं, हर्बिवोर्स उनसे काम है, कार्निवोर उनसे काम है, तो आप कार्निवोर इससे भी काम हो जाएंगे, बहुत सी एनर्जी हीट की शरीर में जाती जा रही है। एंड के ऊपर जब हम पहुँचेंगे तो एनर्जी जीरो, एनर्जी खत्म हो जाए, क्योंकि वापस जब आप एंड में पहुँचते हैं तो वापस सी ओ टू वाटर बन चुके होते हैं। सी ओ टू वाटर अगर आप एनर्जी लेवल पर देखें तो वो मिनिमम एनर्जी लेवल पर होते हैं, इनमें एनर्जी ना होने के बराबर है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, इंसानों और एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको दोबारा जोड़ के सनलाइट का इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोज बनाना। आसान सवाल में ये कह दीजिए कि मटेरियल रिसाइकल होता है, एनर्जी रिसाइकल नहीं, एनर्जी आपको डल जाए। और कीजिए, मैंने दो चीज़ों में डिफरेंस आपको कराया है, एक है लफ्ज मटेरियल मटेरियल्स, जैसा कि हमारा टॉपिक है बायोलॉजी केमिकल साइकिल्स, साइकिल होते हैं, सर्कुलेट करते हैं, मिट्टी से शुरू हुए यहाँ पे और मिट्टी पे खत्म हो गए, या पानी से शुरू हुए तो पानी में खत्म हो गए। लेकिन जो एनर्जी है, जैसे कि यहाँ पे आर से शुरू किया गया, एनर्जी रिसाइकिल नहीं होती, एनर्जी आखिरकार लॉस्ट हो जाती है। एनर्जी फॉर एनर्जी इट इज एट द एंड, जब हम एंड पे हो जाएंगे ये छोटे छोटे हो जाएंगे और आखिरकार एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी। इसका मतलब है हर बार पौधों को सन से लाइट एनर्जी लेके फूड तैयार करनी पड़ेगी, अगर सन लाइट आना बंद हो जाए तो फूड प्रिपेयर नहीं हो सकता। ये चीज होती है बैकग्राउंड। अब इसका एक अजीब और पॉइंट और कीजिए, मैंने भी जो इस्तेमाल किया ये थे जी प्लांट्स, इन्होंने मिट्टी से वाटर भी लिया है और मिनरल्स भी लिए, ये बात मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, वाटर H2O और मिनरल्स सॉल्ट्स का CO2 इन्होंने एयर में से ले ली है। ये सब कुछ इसके अंदर की आसान लाइट सूर्य से रोने रोशनी की वजह से फूड प्रिपेयर हुई, जिसका कुछ हिस्सा रेस्पिरेशन में यूज कर लिया, कुछ स्टोर हुआ और कुछ आगे चला गया। ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये हर्बीवोर्स हैं और ये अगले कार्निवोर्स होते हैं। फिर ये इसमें मटेरियल, यहाँ पे जो मटेरियल जा रहे हैं वो एनर्जी जा रहे हैं और अब देखते हैं कि स्टेप बाई स्टेप साइज छोटा होता जा रहा है, इसका मतलब बहुत सी एनर्जी ज़्यादा होती जा रही है, एनर्जी मटेरियल भी, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल यहीं से रिसाइकल हो जाएगा, कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से कुछ होती जाएगी। बहरहाल हमारा तारा मुकम्मल हो गया पहले से। बायोलॉजी केमिकल साइकिल्स की टाइप्स, हेडिंग है जी नेक्स्ट टाइप्स। बायोलॉजी केमिकल साइकिल्स की टाइप्स हैं, एक्सक्यूज मी सर, जी सर, इन्होंने यहाँ डायग्राम में ए लिखा हुआ है, उसकी समझ नहीं आई। किस डायग्राम की बात कर रही हैं? हाँ, ना ये जो आपने अभी 430 पे करवाई है उसमें आर के साथ ए भी लिखा हुआ है। आप 430 कह रही हैं, मैंने 330 कहा था। सॉरी सर, 330 पे। आप बताएं, मेरे पास है उसमें से आर लिखा हुआ जो, मेरे पास आर के साथ कहीं ए नहीं लिखा हुआ, और ऊपर टॉप की तो मैंने रेस्पिरेशन छोड़ दी, रेस्पिरेशन मेरे पास आर के साथ कहीं भी ए मुझे नजर नहीं आया। आप नजर आए तो फिर डायग्राम सेंड कर देंगे, देखते हैं। आप आर के साथ कह रही हैं, ए जो है वो
सर आर से थोड़ा नीचे करके ए लिखा हुआ है। मेरे पास चला गया उसमें ए पहले डायग्राम में नहीं, दूसरी डायग्राम में लिखा हुआ है, लेकिन ये भी गड़बड़ी है करके असिमिलेशन को मैंने इस्तेमाल किया होगा। जो सेकंड डायग्राम में ए है लेकिन वो असिमिलेशन के लिए, वो आर मैंने सिर्फ आर की बात की है क्योंकि मुझे यहाँ पे इसे कंसर्न नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमें कंसर्न था एनर्जी से, मैंने एनर्जी ये मटेरियल है और ये एनर्जी रेस्पिरेशन से एनर्जी हीट की शक्ल में हर जा हो जाएगी वर्क की शक्ल में और एंड रिजल्ट जो निकलता जा रहा है हमें मटेरियल लाते जा रहे हैं क्योंकि जो डीकम्पोज हो रहे हैं वो मैं शो नहीं कर रहा था यहाँ पर और सिर्फ सिंप्लीफाइड किया। जो ये हेडिंग है जो टाइप्स, अब दो टाइप्स हैं बायोलॉजी केमिकल साइकिल्स की, डिपेंड करते हुए आपकी बुक में दिए हुए दिए हुए इसका चैप्टर किसी ने बताया, मुझे अब तक किसी बताया नहीं कि आपकी बुक में किस पेज पे है। जी इसका एक नाम है जी सेडिमेंट्री टाइप, सेडिमेंट्री इसकी स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर लीजिए, मुझे कभी भी अपने स्पेलिंग पे दावा नहीं रहा। सेडिमेंट्री के स्पेलिंग कन्फर्म करना है अपने, कोई गड़बड़ तो नहीं है इसमें। और दूसरे हैं गैशियस, ये दो टाइप्स हैं जी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की, सेडिमेंट्री टाइप और गैशियस। जो सेडिमेंट्री है उसमें मिट्टी और पानी वाले दोनों शामिल हैं और गैशियस में एयर शामिल है। और ये भी याद रखिएगा कि हो सकता है कि एक साइकिल में तीनों चीज़ें मौजूद हों, मिट्टी भी हो, पानी भी हो, हवा भी हो, लेकिन देखा जाएगा ज़्यादा कहाँ पर है। मसलन वाटर साइकिल में ज़्यादा पानी पानी के अंदर है तो वो सेडिमेंट्री में आएगा, हवा में पानी का। ऐसे ही नाइट्रोजन साइकिल में ज़्यादा नाइट्रोजन एयर के अंदर है चाहे वो गैशियस टाइप का है। ये फर्क याद रखना है दोनों का, मैंने दोनों टाइप के सामने दोबारा बयान किए देता हूँ। अगर किसी मटेरियल का ज़्यादा हिस्सा सेडिमेंट यानी मिट्टी या पानी के अंदर है तो वो सेडिमेंट्री टाइप कहलाएगा। अगर उसका ज़्यादा हिस्सा इसकी मिसालों में पानी बेस्ट एग्जाम्पल है और उसके मुकाबले में गैशियस जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का ज़्यादा हिस्सा हवा के अंदर होता है 70% के करीब, 78% के नाइट्रोजन मौजूद है इसके अंदर, चुनाचे ये गैशियस टाइप। ज़्यादातर साइकिल जो हैं उनमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं, जैसे पानी है वो मिट्टी पानी हवा हर जगह पे है लेकिन ज़्यादा मिला सेडिमेंट्स में है इसलिए वो सेडिमेंट्री है। और भी चीज़ें हैं मिसाल के तौर पर उसके सल्फर है, सल्फर मिट्टी में भी है, सल्फर डाइऑक्साइड हवा में है लेकिन ज़्यादा हिस्सा मिट्टी में आना चाहिए, सल्फर साइकिल सेडिमेंट्री में आ जाएगा। ये बात याद रहेगी, भूलेगी तो नहीं कौन सी चीज़ कहाँ पे है। जी अब तारफ हमारा तकरीबन पूरा हो चुका है। सर ये टाइप्स का दोबारा बता दें। जी दोबारा बता देते हैं, ये आप लोगों ने मुझे बताया नहीं कि आपकी बुक में ये है टॉपिक तो कहाँ पे है, किसी ने मुझे अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया किस पेज पे है। सर 345 पेज पर है। 345 पेज पे है और ये कौन सा है जी, ये कलर तो डायग्राम ब्लैक एंड ब्लैक है, गैशियस साइकिल इसने कर दिया और टाइप्स में गैशियस और सेडिमेंट्री बिल दोनों बयान किए हैं। लाइट साइकिल इसके दोनों ही डायग्राम बहुत ही ब्लैक हैं जी, वेरी वेरी ब्लैक। बाकी अंदर ठीक है जो भी है लेकिन डायग्राम इतनी काली नहीं होनी चाहिए जैसे किसी मुनाफिक का दिल हो। जी किसी के पास और कोई बुक भी है सर? रामे की डायग्राम कैसी है? रामे का पेज बता दो, पेज नंबर क्या है? सर 311 सर यहाँ पे सही बनी हुई है 311 जी, कम से कम ये फायदा है कि नजर आ रहा है और कुछ है नहीं। इसकी गाय तो पहाड़ से ही बड़ी है, नहीं फायदा इसका। अगले पेज पे भी है एक और नाइट्रोजन, ये भी ठीक है और आगे वाटर साइकिल है, ये भी गुजारा हो जाएगा। रामे के डायग्राम ज़्यादा साफ हैं, ये वहाँ से डायग्राम यूज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मैं एक और देखता हूँ, एक और अच्छी डायग्राम मिल जाए हम सेंड कर दो आपको, अदरवाइज फिर आपको रामे को यूज़ करना पड़ेगा। जी ये और मैं सिर्फ स्क्रीन शेयर कर सकता है इस वक्त डायग्राम के लिए, तस्वीर बनाएं रामे से और मैं स्क्रीन शेयर अलाउ करता हूँ उसमें सेंड कर दें स्क्रीन शेयर में। तो यार बहुत तेसरा बच्चा भी
कौन भी जगह नहीं देखते हैं, कौन भी जगह शेयर करनी है तस्वीर प्राइमरी से लेकर, अगर किसी के पास और भी तस्वीर है तो वो भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन पहले मुझे बताओ कि ठीक है जी कौन है जी असवा यूनिट में, तो ठीक है जी असवा ने तस्वीर सेंड कर दिया जी, अब मेरा काम आसान हो गया, मुझे तस्वीर नहीं भेजनी पड़ेगी उसको, मैं ज़रा ये रहे तस्वीर आपके सामने है और ये क्लियर नजर आ रही है आप लोगों को। नाइट्रोजन साइकिल गैसियस साइकिल की एग्जांपल है। अब इसमें तस्वीर तो ठीक है, तस्वीर के लिहाज से इसमें कोई बहुत नहीं, टेक्निकली इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं है, क्योंकि इसमें गाय इतनी बड़ी बनाने की जरूरत नहीं थी जितनी बढ़ानी है इसमें। शुरू कहाँ से करें, मुझे वहीं पे एयर एयर एयर, इसने यहाँ पे एयर लिखना चाहिए था, इसने एयर लिखा नहीं हुआ, क्योंकि ये गैसियस साइकिल है, एटमोसफियर शो करनी चाहिए जहाँ पे आपने नाइट्रोजन रिजर्वायर शो करनी, ये खामी है डायग्राम आने वाले की, वो कर लीजिए, यहाँ पे नाइट्रोजन इन एयर या रिजर्वायर इन एयर का लफ्ज़ जो है वो देना था जो कि नहीं दिया गया है। ये हो गया जी एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट, नाइट्रोजन फिक्सेशन सेपरेट हटेगा जिसको बाद में डिस्कस करेंगे। बहरहाल मुख्य तरीकों से नाइट्रोजन फिक्स होती है, नाइट्राइट नाइट्रेट और अमोनिया बनते हैं जिसको प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट्स ये हैं, प्लांट्स खाने वाले हर्बीवोर्स, इनको खाने वाले कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स, आखिरकार सब चीज़ें जब डेथ होती है, डिके का अमल होता है, तो सब चीज़ें वापस डीकम्पोजर के जरिए मिट्टी की तरफ चली जाती हैं, और उसमें से जो गैसेस हैं, कुछ गैसेस NO, NO2, NO3 वगैरह, ये एयर में चली जाती हैं। आपने एक लफ्ज पढ़ा हुआ है डी नाइट्रिफिकेशन, इसको अगर कैसे पढ़ेंगे, डी नाइट्रिफिकेशन के जरिए भी बहुत सी चीज़ें ब्रेक डाउन हो गई नाइट्रोजन गैस की शक्ल में हवा में चली जाती है। पर ये जस्ट यहाँ पे हमने जस्ट ये एक्सप्लेन करना था कि ये गैशियस टाइप है, चूँकि इसका ज़्यादा हिस्सा नाइट्रोजन का एयर के अंदर है, 78% नाइट्रोजन होती है एयर के अंदर, रिजर्वायर वहाँ पे है, मिट्टी में भी पानी में भी नाइट्रेट नाइट्राइट और अमोनिया मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा कम होती है उस नाइट्रोजन से जो एयर के अंदर मौजूद है जी। ये हमारा एक हेडिंग जो है वो मुकम्मल हो गया गैशियस वाला। सेडिमेंट्री के लिए हमें जी, अब असवा अगर आप एक बार फिर डायग्राम दूसरी वाली भेज दें, वाटर साइकिल डायग्राम भेज दीजिए जी सर। जी ये वाटर साइकिल नहीं, ये नोटिफिकेशन है, ये सेपरेट है जी, वाटर साइकिल नेक्स्ट आगे आएगा। जी ये बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम है जी, और अभी याद रखिएगा इसको मैं सिर्फ सेडिमेंट्री टाइप को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सिर्फ सेडिमेंट्री टाइप को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी हम वाटर साइकिल नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं। अब याद रखिएगा दुनिया में ज़मीन की बात कर रहे हैं, 70% वाटर ज़मीन पर, 70% वाटर है, चुनाचे वाटर जो ज़मीन का हिस्सा है रेजरवायर है, और इसके अलावा मिट्टी के अंदर भी पानी होता है, हवा भी पानी होता है, लेकिन ज़्यादा पानी चूँकि ज़मीन पर पानी की शक्ल में है, लिक्विड समुद्रों में या फ्रेश वाटर की शक्ल में, चुनाचे जो रिजल्ट दिखेगा कि हम इसको कहेंगे इट इज सेडिमेंट्री टाइप। अब यहाँ पे हर जगह पे ये अपन चेक कर लें, इस लफ्ज में खामी है, इसमें दो जगह पे एवेपोरेशन, अगर तो मिट्टी या पानी से हो रही है वो एवेपोरेशन कहलाएगी, और करें फिक्रे पे यहाँ पे देखें, जहाँ प्लांट्स के साथ शो किया जाएगा प्लांट्स एवेपोरेशन नहीं कहेंगे इसको, हम इसको ट्रांसपायरेशन कहेंगे। याद रखिए जब प्लांट से पानी एवेपोरेट होता है तो उसको एवेपोरेशन की बजाय हम ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं, और जब एनिमल से, या देखिए अगर यहाँ पे हम एक भैंस दिखा दें तो भैंस की बॉडी से भी, और आजकल आपने देखा होगा बंदे भी भैंस से बन गए हैं, गर्मी के इस मौसम में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और जो पसीना आ रहा है स्वेट, उसके लिए स्वेट या परस्पायरेशन दोनों अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। स्वेट का लफ्ज़ सिर्फ मैमल्स के लिए है, परस्पायरेशन तमाम एनिमल्स के लिए, परस्पायरेशन ट्रांसपायरेशन
वेपोरेशन, ये वो तरीके हैं कि पानी उड़ के चला गया है एयर में, एयर में जाके वो कंडेंस होगा तो बादल बनेंगे और फिर प्रेस्ट्रेशन शक्ल में, देखिए मैंने लगभग बात किया प्रेस्ट्रेशन, ये एक तो इसके हवाले से है बारिश के हवाले से हेल या बारिश को कहते हैं, और स्नोफॉल से पहले से बात करते हैं, तीन ही शक्लें हैं जिसमें पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है, कुछ एक्सेप्शन चीज़ें भी हैं लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। पानी वापस पहाड़ों पे गिरा हर जगह पे जहाँ जहाँ बारिश हो रही है, पहाड़ों पे ठंडे जब जहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे बर्फ और जो इवन जो पानी गिरता है वो भी जम जाता है बर्फ के साथ मिल के, कुछ पानी फ्लो करेगा वो पानी दरियाओं में, जब गर्मी का मौसम होता है तो बर्फ थोड़ी थोड़ी पिघलती है और पानी हमारे दरियाओं में आता रहता है। अब दरियाओं से हम उसको इस्तेमाल करते हैं खेती बाड़ी में, कुछ एवेपोरेट हो रहा है और बाकी प्रोसेस सेम वैसे का वैसे ही। अब इसमें चूंकि जानदारों की बॉडी के अंदर नहीं शो किया गया, प्लांट्स ने वाटर को ऑब्जॉर्व किया, CO2 को बना ग्लूकोज बनाया, यहाँ से वो एनिमल्स की बॉडी में हर्बीवोर कार्निवोर एक बार फिर डीकम्पोज जब होंगे तो वाटर बनेगा, वो वाटर एवेपोरेट हो जाएगा, कुछ मिट्टिया पानी में चला जाएगा जो वहाँ पर रहते हैं और बाकी एयर के अंदर वाटर, और इस तरह से ये प्रोसेस इस तरह से चलता है। पहल तारफ तो हो गया साइकिल का, और ये भी साइकिल था जी ऐसे मैंने बताया है, सेडिमेंट्री टाइप सल्फर और फॉस्फोरस के साइकिल के सेडिमेंट टाइप है। आप चूँकि इनके डायग्राम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वहाँ भी मैं फॉस्फेट्स, चूँकि आप लोग सब केमिस्ट हैं जी, अब आपने फैसला करना है बल्कि आपने साबित करना है आप केमिस्ट हैं या केमिस्ट हैं, कोई बताएगा जी कि रिजर्वायर कहाँ पे है फॉस्फोरस का? एनीवन बीइंग ए केमिस्ट अगर ना बता सके तो फिर मैं आपको केमिस्ट कहूँगा, what is the reservoir of phosphorus? इतनी देर में जवाब का मतलब है no answer, किसी से कोई जवाब नहीं आ रही, you are chemist because you are studying chemistry. sedimentary rocks इसका किसी रॉक का नाम, किसी सेडिमेंट रॉक का नाम जिसमें फास्फोरस मौजूद, नो आंसर। चलें जी सुन लीजिए, मैंने कह दिया ना जो मैंने कहा है दुरुस्त कहा है कि आप लोग केमिस्ट्री नहीं बल्कि आप लोग केमिस्ट्री पढ़ के केमिस्ट बन रहे हैं। सुन लीजिए मैं तीन चार मिसालें दूंगे, सबसे मशहूर नाम है गोनो डिपॉजिट, क्या आप इस नाम से वाकिफ हैं पहले से? व्हाट आर गोनो डिपॉजिट्स? एनीवन हु नोस व्हाट आर गोनो डिपॉजिट्स? गोनो डिपॉजिट्स और गोनो बर्ड्स क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, क्या करते हैं, किधर रहते हैं? नो इसका मतलब आपने नहीं पढ़ा, कम अज कम पौने चार सेमेस्टर पढ़ के गुवा दिए केमिस्ट्री के, अगर आप दो साल में केमिस्ट्री में ये नहीं पढ़ सके हैं और इससे पहले भी आपको टोटल छः साल हो गए हैं केमिस्ट्री पढ़ते हुए। फॉस्फेट का दुनिया में सबसे बड़ा सोर्स गोनो डिपॉजिट हैं जो नेचुरली प्रेजेंट हैं, कहाँ पे? साउथ अमेरिका में, वहाँ पे बहुत से मैरीन बर्ड्स हैं, मैरीन बर्ड्स जो हैं वो समंदर के जो एनिमल्स हैं उनसे फूड लेते हैं, उनसे फूड लेके वो तैयार करते हैं, जो मैं यहाँ लिखने लगा हूँ उसको गुआनो, समुद्र से फूड लेके जब वो उनका जो एक्सक्रीटर है गुआनो, GUANO गुआनो बर्ड्स पहला नाम है, इन्होंने फूड ली है सी से, और इनके जो एक्सक्रीटर, अगर आप समझते हैं एक्सक्रीटर क्या है, अगर नहीं समझते फिर आपने दो साल जॉली पढ़ के भी कर दिया है, इनके एक्सक्रीटर में बहुत से फॉस्फेट होते हैं जो पहाड़ों की शक्ल में जमा हो गया है साउथ अमेरिका में, SA फॉर साउथ अमेरिका, और वहाँ से इसको मार्केट किया जाता है और इसे फॉस्फेट खादें तैयार की जाती हैं। एक मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने, उसके बाद दूसरा है जी फॉस्फेट रॉक्स मौजूद हैं दुनिया में कई जगहों में, उनको भी निकाल के प्रोसेस करके खादें बनाई जाती हैं। इवन एनिमल्स की जो हड्डियाँ होती हैं, और आप बोन मील समझते हैं, बोन मील क्या होता है? यू नो वट इज़ बोन मील? You know what is bone meal? What is use of bone meal? चलें, bone meal जो है
हड्डियों से तैयार होता है, एनिमल्स की हड्डियों से, और इसमें भी बहुत सा फास्फेट होता है। ये फास्फेट हाइड्रोक्सी एपेटाइट की शक्ल में होता है, इसको भी यूटिलाइज किया जाता है। हर तरह से खादें जो, याद रखिएगा फॉस्फोरस की खादें ज़्यादा महंगी होती हैं। मिसाल के तौर पर DAP का नाम अगर आपने सुना, DAP इज डाई अमोनियम फॉस्फेट, बहुत महंगे खाद है पाकिस्तान के रेफरेंस में, किसान बड़े डर डर के इसको खरीदते और यूज करते हैं, हालांकि बहुत कीमती, बहुत अच्छी है फसलों के लिहाज से। पहल ये है जी आल अबाउट, एक साइकिल की एग्जाम्पल दी है मैंने, ये भी सेडिमेंट ही है, चूँकि इसका ज़्यादा जो सोर्स है वो सेडिमेंट्स में है, यहाँ से खाद शुरू में खेतों में डाले। एक्सक्यूज मी सर जी, एक्सक्यूज मी सर, वो 667 के टेंडिस लगा दें, वो लेट आई थी। कितना लेट आई थी सही है, कायनात मुस्त